नमस्कार। और सिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम चार कली का प्लाजो तैयार करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, 2.5 मीटर कपड़ा है हमारा। ठीक है, देखिए ये है हमारा कपड़ा 2.5 मीटर। इसकी मैंने चार तय बना दी थी। अब देखिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, क्योंकि पूरा ये अगर हम कैमरे में लेते तो आता नहीं। इस हमारे मैंने इस तरह से किया है, ये इसको इस तरह से रखेंगे, चार तय बना के इस तरह रख लेंगे, ऊपर से पूरी तरह मिला देंगे इसको जो, और इस तरह पूरे को सीधा रख देंगे इस तरह। ऊपर से हम इसको शुरू करेंगे, इस साइड से हम 4 इंच छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने 4 इंच छोड़ देंगे ऐसे, और यहां पे लेंगे हम 13 इंच। ठीक है, ऐसे इसको बिल्कुल सीधा लेंगे। यहाँ पे 14 इंच, 2 इंच इलास्टिक के लिए है। ठीक है, इस तरह से इसको हम जो मिला देंगे, और यहां पे भी लेंगे हम 4 इंच। ये हमारा आसन है, और इसको इस तरह से हो गए। ये निशान लग गया हमारा। अब ये निशान बिल्कुल नीचे मिलाना है। नीचे हम पहले लेंथ लेंगे, लंबाई है इसकी 37 की, तो नीचे से फोल्ड के लिए 1 इंच और ऊपर के लिए 2 इंच, तो हम इसको लेंगे 37 था ना, तो 40 लेंगे, 40 इंच। ये मैंने 40 इंच पे निशान लगा दिया है, और यहां भी इसी तरह से 40 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इसको मिला देंगे इस तरह, ठीक है। ये यहां से यहां पे बिल्कुल नीचे इस साइड में मिला देंगे, क्योंकि ये थोड़ा खुला बनाना है। इस तरह मिला के इसको ऐसे लाइन लगा देंगे इस पे, और यहां से यहां पे मिला देंगे बिल्कुल कोने पे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर दिया। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले नीचे से यहां से दोनों साइड, नीचे हमारा जो ये मोरी है, यहाँ से 1.25 इंच का यहाँ पे और 1.25 इंच का यहाँ पे, इस तरह से हम गोलाई में डाल देंगे इसको। ठीक है, नीचे से है बिल्कुल, ऊपर से यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। अब ये आसन की साइड से कटिंग करेंगे, यहां से इसको आराम से ऐसे करेंगे। ये होगी कटिंग। अब दो पार्ट उठा देंगे, देखिए चार नहीं, चार कली है, तो दो उठा दिए मैंने इस तरह से, और यहाँ आगे वाले पार्ट की हल्की सी यहां से शुरू करेंगे। ये हमने, ये फ्रंट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा दूंगी, ये फ्रंट है। ये हो गया हमारा प्लाजो, चार कली का कटके तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।